नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से जुड़ा एक खास खबर हमारे पास आ चुका है। इस खास खबर को हम आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर जेपी नड्डा ने जो है देश को गौरवान्वित करने वाला एक और कार्य कर दिया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने बुधवार को बीजेपी को जानो अभियान के तहत जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इसके साथ ही नड्डा ने बीजेपी को जानो पहल के तहत अब तक 46 विदेशी दूत से बातचीत की है। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ले जाते हुए बीजेपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी मुख्यालय में जापान के सत्तारूढ़ एलडीपी के नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री होग्युडा कोइची के साथ मेरी बहुत ही व्यवहारिक बैठक हुई। हमने विभिन्न तरीके पर चर्चा की, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान संबंधों को महत्व पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों ये भी है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है हमारे देश के रिश्ते काफी खराब होते हुए जा रहे, चाहे वो जापान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहां पर जो है चाइना हो। लेकिन इसी बीच में जापान के साथ एक नरमी बरतना, जापान के साथ जो है इस तरीके से सुलह को और आगे बढ़ाना, ये भारत की तरफ से एक पहल देखी जा रही है। भारत जिस तरीके से जो है इस मुद्दे को आगे लेकर के जा रहा है, माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जो है जेपी नड्डा की तरफ से की गई ये कोशिश भारत के लिए एक अच्छी पहल के रूप में होगा। इस खास रिपोर्ट को सुनने के बाद अब आप लोग को क्या लगता है कि आप विदेशों में बढ़ रहे भारत के प्रभुत्व को देख करके क्या सच में लगता है कि आज एक पहल तो जेपी नड्डा ने की है, यहाँ पर सारी पहल जो है वो भारत सरकार ने भी किया है, लेकिन ये पहल क्या पहले के पहल से ज़्यादा दिखाई देता है? यानी कि राहुल गांधी के जो काम थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि कांग्रेस का समय जो था, कांग्रेस के समय पर जितने काम हुए थे, क्या उन कामों के मुताबिक जो है आज क्या मोदी सरकार में ज़्यादा काम हो रहे हैं या पहले का काम ज़्यादा था? कमेंट सेशन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।